अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मटन नली निहारी कैसे बनाई जाती है, जो कि है 1 किलो में। सो सारे चीज़ें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जो है इंग्रेडिएंट चेक कर सकते हैं। इसे प्रिपेयर किया था राजधानी केटरर्स ने। तो फर्स्ट पार्ट इसका जो है ये पाया बनाना है। उससे पहले अगर ज़ैनब कुक हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले 4 पाया ले लीजिए, 3 ओनियन ले लीजिए कांदा स्लाइस करके, जिंजर पेस्ट 1 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, 2-3 तेज़पत्ता डाल दीजिए, ग्रीन चिली आप अपने हिसाब से डाल दीजिए 3 से 4, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी। ठीक है, तो ये पाया बकरे का पाया है, तो इसे अराउंड 4 से 5 सीटी आपको देना है स्लो फ्लेम पे। इसे अच्छे से आपको गला लेना है, फुल्ली कुक कर लेना है। और इसमें आप पानी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, 2 ग्लास या 3 ग्लास पानी बहुत होगा, क्योंकि इसका जो है एक्सट्रैक्ट निकलेगा और इस बाद में हमें इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको निकाल के आप साइड में रख दीजिए जब ये कुक हो जाए। उसके बाद हमें प्रिपेयर करना है निहारी। तो निहारी के लिए आपको चाहिए ऑयल 4 टेबलस्पून, घी 3 टेबलस्पून। ठीक है, 1 किलो के हिसाब से आपको इतना चीज़ें लेना है। थोड़ा सा इसमें दालचीनी डालना है, 1/2 इंच से भी कम। इसमें जाएगा ग्रीन कार्डमम अराउंड 3 से 4, 2 से 3 तेज़पत्ता। ऑयल जब हल्का गर्म हो तभी आपको ये सब खड़े मसाले डालने हैं ताकि वो जले ना। अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये डाल के आपको अच्छे से उसे भून लेना है जब तक कि ये पूरी तरीके से पक ना जाए। ठीक है, इसका पकना बहुत ज़रूरी है अच्छे से, बट आपको जलाना नहीं है। हमेशा जब आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डालो तेल में तो फ्लेम जो है वो थोड़ा सा लो कर दीजिए ताकि वो तुरंत जले ना। सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालें। पहले ये याद रखना कि पाया में हमने सॉल्ट डाला है, इसमें गया हल्दी, तो हल्दी आपको डालना है 1/2 टीस्पून। उसके बाद आपको इसे अच्छे से भून लेना है। यह है काजू का पाउडर 3 टेबलस्पून, दरदरा आपको इसको पाउडर करना है, पेस्ट नहीं करना है। दही, तो दही आपका जाएगा 1/4 कप। हमेशा दही डालते वक्त फ्लेम एकदम स्लो कर दीजिए और फेंट के डालिए ताकि वो फटे ना। ठीक है, तो ये टिप्स है, आप हमेशा फॉलो करें। अगर फास्ट फ्लेम पे डालोगे तो दही डालते ही वो फट जाएगा। देगी मिर्च और कश्मीरी चिली पाउडर, ये 2 अलग मिर्च है, दोनों का 1/1 टीस्पून आपको डाल देना है। सो गाइज डोंट वरी, आपको हर एक इंग्रेडिएंट का जो लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये केटरिंग स्टाइल है, इसे केटर किया था राजधानी केटरर्स ने। सो अगर आपको शादी या पार्टी का ऑर्डर देना है, ये ऑल इंडिया सर्विस देते हैं, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये है नली निहारी मसाला, ये आपको डालना है अराउंड 1 टेबलस्पून। शान का बेस्ट क्वालिटी रहता है, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन, बट शान का हम लोग पर्सनली यूज़ करते हैं तो उसका बहुत अच्छा ये रहता है। अब ये नली निहारी है तो मटन के पीसेस आप देखें, हमेशा थोड़ा नली और जो नरम बोटी है वो मिक्स करके लो आप। जैसे 1/2 किलो आपने नरम बोटी ले लिया, 1/2 किलो आपने नली ले लिया, उस हिसाब से। ये है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। ओके, सो गाइज दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और आप इसे अब घर पे बना सकते हैं। यह है गरम मसाला पाउडर। ओके, तो गरम मसाला पाउडर आपको लेना है 1/2 टीस्पून। फ्राइड ओनियन है, हमेशा फ्रेश यूज़ करें, ब्रिस्ता जिसे हम ब्रिस्ता बोलते हैं, ये आपको 3 टेबलस्पून कुटा हुआ डालना है। देखिए इसका पेस्ट नहीं बनाया, इसको बारीक आपको पेस्ट नहीं करना है, एकदम पेस्ट टाइप जैसे पानी डाल के रखते हैं ना, एकदम पतला, ये दरदरा ही होता है। तो ये अराउंड 3 टेबलस्पून आपको डाल देना है जब आपका गोश्त पूरी तरीके से पक जाए, उसके बाद लास्ट में आपको ये फ्राइड ओनियंस डालना है। ये क्यों डाला जाता है, बिकॉज आपने देखा होगा शादियों में एक दानेदार सा ग्रेवी होता है, जिसे हम नान या फिर शीरमाल या फिर पराठों के साथ खाते हैं, वो हमेशा दानेदार होता है। तो ये चीज़ डालने से आपकी जो ग्रेवी है वो दानेदार बन जाती है। ओके, सो ये छोटे छोटे टिप्स है, ट्रिक्स है, तो आप हमेशा फॉलो करें, आपकी बेहतरीन डिश घर पे रेडी होगी। अब पानी आप इसमें अपने हिसाब से डालें, ये एकदम थिन नहीं होना चाहिए, एक सेमी ग्रेवी टाइप होना चाहिए। ओके, ये सालन नहीं है, ये निहारी है। सो बेसिकली ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो ये रात भर बनती है, बट चूँकि मुंबई में सबके पास उतना वक्त नहीं है तो इसलिए इसे इस तरीके से बनाया जाता है, बट ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, आप ज़रूर से ट्राई करें। और हमने जो पाया पहले बनाया था उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए।
सो हो गई हमारी निहारी रेडी। बहुत इजी है गाइस, और अगर गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो कमेंट में बताओ। बहुत सारे लोगों ने मुझे गरम मसाले के बारे में बताया है, सो आई रिमेम्बर्ड। सो यहाँ पे आपको गार्निश करना है थोड़े से अदरक हरी मिर्ची के साथ। ज़ैनब कुक हाउस को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलती हूँ नेक्स्ट मेकिंग के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।